Assalamualaikum, क्या हाल चाल है आप लोगों के। शहरी में से ज्यादा बात नहीं कर सकता, ना कोई सवाल कर सकता हूँ। जहाँ से ब्लॉग को खत्म किया था वहीं से दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, सेम कपड़ों में सेम जगह पे खड़ा होकर। शहरी का वक्त है और एक चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये घर का बना हुआ दही है। यस, घर का जमा हुआ दही, घर का बना हुआ दही। अच्छा ये सॉरी, ये घर का जमा हुआ दही है भाई, सही है? खुश yes. आप ये देखें, ये देखें भाई, अरे वाह भाई वाह, अरे दही निकल रहा है भाई यहाँ पर तो विदाउट एनी वाटर। सही, बिल्कुल जबरदस्त जमा यार दही वाले अंकल, जरा बगैर मलाई और पानी का दही तो निकालना। ये लड़का जो है अभी तक जाग रहा है और ये अपनी सहरी कर रहा है। मेरी सहरी रखी है यहाँ पर कोरमा और पराठा। ओए होए होए, ये अभी मैंने खाना है और यहाँ पे मैं व्लॉग को एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पे मजीद पराठे बनने की तैयारी हो रही है। ओए होए होए, घी लग रहा है, घी घी घी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जरा खा लूँ खाना, उसके बाद बात करते हैं, सही है? आप भी खाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल जी? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, कोई ओवर अनाउट नहीं हो रहा है। ये लड़का सही तक जागा है और उसके बाद ये ऐसा सोया कि उसको बड़ी मुश्किल से उठाया है हम लोगों ने, और बेचारा उठते ही जो है वो उसकी जो उंगली एक फिंगर है वो दरवाजे में आ गई बेचारे के, ना घर के। दिखाओ मत, सही होगा ये, यहाँ से थोड़ी सी स्वेल हो गई है इसकी फिंगर। तो भाई ये सारा सीन है, अभी मैं निकला था छोटी मोटी चीजें लेने के लिए, जिमर के डायपर और ये पानी भरवाया है। डायपर बहुत जरूरी है, डायपर नहीं होगा तो फिर आपको पता है क्या होगा। बस अब मैं घर जा रहा हूँ, उमा को ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। आज गर्मी है भाई, अच्छी खासी धूप भी निकली हुई है। हाँ, गाड़ी में खास से गाड़ी हम यहीं लगा देते हैं ताकि आराम से सामान वगैरह उतर जाएगा, फिर मैं यहाँ से ऑफिस चल जाऊँगा। सही उमर? मजाक से हटके वैसे वाकई में आज जो है गर्मी काफी ज्यादा है, मतलब चार रोजे जो गुजरे हैं अगर मैं उससे मुकाबला करूं भाई तो आज जो पांचवा रोजा है आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है, धूप की शिद्दत भी मुझे ज्यादा लग रही है। पहला रोजा तो खैर बहुत ही कोई मलाई की तरह निकला था क्योंकि बारिश भी हो गई थी, मौसम बहुत ही कोई दिलफरेब था। अब हो ये रहा है भाई कि जैसे पिछला रमजान जो है वो मेरे ख्याल से 3 अप्रैल को शुरू हुआ था, ये वाला रमजान जो है वो तकरीबन 10 दिन पहले जो है वो शुरू हो गया। तो देखा ये जा रहा है भाई कि रमजान का महीना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि साल के शुरू में जाता जा रहा है, और इस तरह करते करते भाई आने वाले सालों में जो है वो सर्दियों में भी, यानी कि सर्दी के मौसम में भी रमजान का महीना आएगा, उसमें तो बहुत ही ठंड मचेगी भाई। बहरहाल खैर, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस जाके ऑफिस का मामला देखते हैं, उसके बाद अल्लाह करे टाइम पे मैं निकल जाऊं ताकि इफ्तार मिस ना हो, घर पे इफ्तार कर लूं। काटता तो नहीं है ना ये? मैं इतने कभी करीब आए नहीं, कभी मोर के। अरे भाई गुब्बारा वाला पिजन मजेदार यार, कटवाना थोड़ा सा, थोड़ा कटवा लो। नहीं मुझे हाँ भाई, नंबर वन चैनल पे आ रहे हो तुम, कह रहे बस मुझे अगर बोलना आता ना मैं बोलता। ये भाई हमारा किचन है, फुल रोजा खराब करने की तैयारी की गई है यहाँ पर, रोजा खराब कर रहे हैं, गुनाह मिलेगा लोगों को। कैमरा खाली है हमारे पास, मैं कह रहा हूँ अगर आपको खिदमत सर अंजाम देनी है तो हमारे पास दिवाली कैमरा। कैसी हैं, खैरियत से हैं, आप बताएं कैसा जा रहा है?
खुश हैं आप किचन को लेकर अब? ओह अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग पहुंच गई हमारी। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी मर्जी के मसाले इस्तेमाल करूँ घर से लेकर। अब अच्छा ना, ज्यादा अच्छा जाएगा आएगा। हाँ बिल्कुल। मिस्टर फारूक सत्तार इज इन द हाउस। जी भाई, वक्त कम है और मुकाबला सख्त तरीन तेज चल रहा है इस वक्त। टाइम हो रहा है 6:02, तो घर पहुंचना है। मुझे लग रहा है भाई के रास्ते में ही रोजा खुलना पड़ जाएगा, मैं कभी भी नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम पर। और सोने पे सुहागा ये है भाई के ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ट्रैफिक शदीद हुआ हुआ है इस वक्त, शारिफ फैसल पूरा जैम पड़ा हुआ है। उफ, मुझे नहीं समझ में आ रहा घर टाइम पे कैसे पहुंचेंगे। मुश्किल है भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा आज। Meanwhile, अच्छा भाई ये उमर साहब हैं अपना खेल कूद करके प्ले डो और सैंड से खेल के अभी मेरे पास किचन में आए हैं। और ज़िमल साहिबा जो हैं वो सो रही हैं। तो ये मेरा टाइम जो होता है ये मैं अफ्तारी की ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, सिर्फ एंड में फ्राइंग का काम रह जाता है मेरा। ये मैंने फ्रूट चाट बना ली है, ठीक है, इसको मैंने फ्रिज में रखना है अभी। ये मैं आज फर्स्ट टाइम मीठे दही बड़े बना रही हूँ तो इसका मैंने दही रेडी करके रख दिया है, ये भी अभी फ्रिज में जाएगा, ठीक है। ये आलू के पकौड़े हैं, उसके लिए मैंने आलू जो है कट करके पानी में डाल दिए ताकि मुझे लास्ट मोमेंट पर मुश्किल ना हो। बेसन मैंने मसाला रेडी करके भिगो के रख दिया है। ये छोलों के लिए आलू बॉयल होके रख दिए हैं। ये छोलों के लिए प्याज टमाटर और हरी मिर्च कट गई है, और ये प्याज के पकौड़ों के लिए प्याज और हरी मिर्च, ये सब रेडी हो गया है। अफ्तारी की चीज़ है, शरबत ऑलरेडी फ्रिज में जा चुका है, ये मैंने अभी लगा लिया है कैन खोल के, चल गया माशाल्लाह बगैर चार्ज के लगाया अभी तो। और ये पतीला मैंने नीचे रखा हुआ है, पकड़ना भी नहीं पड़ रहा, मैं अपना काम कर रही हूँ, उतनी देर में पतीला भर जाएगा। मज़े की चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। थैंक यू फा, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ये ज़रा चेक करें, फुल एहतमाम हुआ है भाई इफ्तारी का यहाँ पर, बस हमें भी इसे एहतमाम की ज़रूरत है आज। भाई ब्रिज तो पूरा यानी अपनी नोक से लेके आगे तक जैम पड़ा हुआ है, तो मैंने तो गाड़ी नीचे से ले ली है। असल में मैं बताता हूँ होता क्या है कि जहाँ पे जिन जगहों पर बल्कि इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, ब्रिज उतरते ही जो है वो सीधे हाथ पे इफ्तारी का बहुत बड़ा ही सेटअप लगता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसकी वजह से जैम हुआ होगा। ये आप देख सकते हैं उधर मेरे आलू के पकौड़े बन रहे हैं, और इधर ये लड़की ने किचन के सारा सामान ड्रॉर से निकाल निकाल के ये सब यहाँ पे लड़की फैला रही है। देख लीजिए आप, मैं इस तरह काम करती हूँ, ये नीचे ऊपर चूल्हा और नीचे ड्रॉर, बहुत मुझे ध्यान से काम करना पड़ता है। हो रहा है अभी हमारा फर्स्ट बैच अभी हो रहा है, और देखते ही देखते गैस और स्लो होती जा रही है, फुल नॉब के ऊपर गैस स्लो होती जा रही है। क्या बात है SSDC, थैंक यू सो मच। अफ्तार और सहरी के टाइम में आपने बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं की है, बिल्कुल नहीं करी आपने, थैंक यू। आप ये कमाल देखिए, इधर अजानें शुरू हुई हैं मगरब की और गैस फुल आ रही है। जिस वक्त अफ्तारी बनाने का टाइम था उस टाइम बिल्कुल मरी हुई गैस आ रही, मेरी अभी तक अफ्तारी बन रही है। भाई ये हो रहा है टाइम इस वक्त, और खुली है रोजा मेरे ख्याल से, तो बस मुझे देखना है कि कहाँ पे रोजा खोला जाए। रोजा इस वक्त खुल चुका है और फहद अभी तक नहीं आए घर। ये है मेरा अफ्तार स्प्रेड, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, रोल, समोसे, खजूर, मीठे दही बड़े, फ्रूट चाट, चने की चाट, शरबत, ये है माशाल्लाह मेरा अफ्तार स्प्रेड। भाई मैंने तो रोजा अम्मी के साथ ही खोल लिया, रास्ते में अम्मी का ही घर आ रहा था तो मैंने कहा कि यहीं खोल लेना रोजा, बिल्कुल टाइम पे पहुंचा, जान हो चुकी थी। और मुझे सच्ची बात है कोई ऐसा सेटअप नजर नहीं आ रहा था, साइडों में थे लोग लेकिन इतना ट्रैफिक था कि वहाँ कहाँ गाड़ी खड़ी करने की तो जगह थी नहीं। तो खैर अल्लाह का शुक्र है रोजा खुल गया, मैं जा रहा हूँ घर। कौन आया है, कौन आया है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहाँ है ये लड़का? वेलकम बैक टू माय चैनल, अस्सलाम वालेकुम।
वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये आ गई भाई घर की इफ्तारी, फ्रूट चाट है, मीठी दही फुल्कियाँ हैं और फ्राइड आइटम्स। तो भाई इफ्तारी करते हैं कंप्लीट अपनी और फिर बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। The next morning. जी भाई सहरी का टाइम हो चुका है, रात के इस वक्त हो रहे हैं कोई 3:30-4 बज रहे हैं, बल्कि सुबह के ही हो रहे हैं। मैं अभी क्या कर रहा था मैं आपको दिखाता हूँ, व्लॉग एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। और जैसे कि मैंने बताया कि भाई 3:30-4 का टाइम है, तो भाई ये है ज़िंदगी एक यूट्यूबर की। और ये ज़्यादा मुश्किल तब हो जाती है कि जब आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में ये वाला काम भी आपने पाल लिया हो एक ज़िंदगी में। भैया सारा सीन ये हुआ कि मैं इफ्तारी के बाद सो गया था, जैसे कि बहुत सारे लोग सो जाते होंगे मेरी तरह। और फिर मैं ऐसा सोया कि मैं कुछ 12:15 रात को उठाऊँ, और उठा भी मैं ये सोच के कि शायद 1-1.5 घंटे की मैंने नींद की होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने आराम से कोई 3-3.5 घंटे की नींद की। खैर उसके बाद उठ के मैंने थोड़ा अपना मी टाइम किया, फिर मैं ब्लॉग एडिट करने बैठ गया। और करते करते जो है वो सायरन बज गया है, सहरी का अलार्म बज गया है, तो अभी सहरी करेंगे। अगला ब्लॉग शुरू करने के लिए मुझे इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करना होगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। ओवर एंड आउट।